नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कोसी क्षेत्र के विकास के बारे में। कोसी वासियों को नए साल में एक और तोहफा मिला है। बता दें कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। बता दें कि मधेपुरा जिला के सुरसर नदी पर पुल बनाया जाएगा। बता दें कि यह पुल ग्रामीण कार्य विभाग इस पुल को बनवाएगा। यह पुल 112.74 मीटर लंबा होगा। पुल का निर्माण पर 5,18,95,994 रुपये खर्च किए जाएंगे। बता दें कि इसका निर्माण कार्य का शिलान्यास कर दिया गया है। इस पुल को लेकर सांसद दिलेश्वर कामत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुल का निर्माण उच्च स्तरीय होगा। इसका निर्माण रहटा के सोनापुर तक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सुपौल और मधेपुरा के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इस पुल के निर्माण के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है। कोसी क्षेत्र में अन्य कई योजनाएं चल रही है, जैसे कि मधेपुरा और सहरसा के बीच सड़क बन रही है। बता दें कि इस NH के शुरू हो जाने से 20 से 25 मिनट में मधेपुरा से सहरसा पहुंचा जा सकता है। इधर सुपौल के फुलैत सड़क सह पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल से कोसी को मिथिलांचल और सीमांचल से जोड़ा जाएगा। यह सड़क सीधा आंध्र प्रदेश से कनेक्ट होगी। इसके अलावा सुपौल से ट्रेन सेवा भी बहाल की जा रही है। बताया जा रहा है कि 70 साल के बाद सुपौल में एक बार फिर से ट्रेन की शुरुआत हो रही है। बिहार में 171 पिलर वाला देश का सबसे लंबा सड़क पुल भी यहीं कोसी क्षेत्र में बन रहा है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 2023 में इसे बनकर तैयार हो जाने का अनुमान लगाया गया है। कोसी नदी पर बन रहे इस पुल को दो एजेंसियाँ मिलकर बना रही है। इसमें गैमन इंडिया और ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दोनों कंपनियां शामिल है। इस पुल का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 5 पैकेजों में बन रहा है। इन्हीं में से एक पैकेज में इस पुल का निर्माण शामिल है। सामरिक दृष्टिकोण से ये पुल बहुत ही अहम है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व के कई राज्य इससे जुड़ जाएंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट भी आने जाने में काफ़ी आसानी होगी। कोरोना की वजह से इसके निर्माण कार्य में देरी है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इधर प्रदेश के सभी ग्रामीण सड़कों की वास्तविक स्थिति को लेकर जो है पोर्टल जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पोर्टल पर जो है सारी जानकारियां उपलब्ध होगी। ऐसा नहीं करने वाले इंजीनियरों पर जो है कार्रवाई की बात कही गई है। बता दें कि सड़कों की स्थिति पता नहीं होने के कारण उसकी मरम्मत प्रभावित होती है। ऐसे में अब विभाग ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर के सभी इंजीनियरों को आदेश जारी किया गया है। बता दें कि पिछले दिनों हुई समीक्षा में यह कहा गया कि कई ऐसी सड़कें हैं जिनका अभी तक ऑनलाइन अपडेट नहीं कराया गया है। इधर विभागीय आदेश में कहा गया है कि इंजीनियर सड़क की तस्वीर लेंगे और उसके निर्माण एवं आखिरी मरम्मत की जानकारी बताएंगे। बता दें कि बिहार में 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कें हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां निर्माण का कार्य चल रहा है तो कई जगहों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। बता दें कि इन सड़कों पर 8,000 से ज़्यादा टोल है, जहां पक्की सड़कें नहीं बनाई गई है। तो ऐसे में बिहार सरकार लगातार बिहार में सड़कों को लेकर खास जोर दे रही है। एक तरह से कहने की कनेक्टिविटी को लेकर जो है पूरा जोर है, ताकि लोग जो है राजधानी से जुड़ सके, अपने जिला मुख्यालय से जुड़ सके, उन्हें आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।